ड्रॉप ईयर में मैंने बायोम के टारगेट बैच में एडमिशन लिया था। बायोम है सिर्फ मेडिकल प्रिपरेशन का संस्थान, परंपरा को कायम रखते हुए झारखंड के इतिहास में पहली बार नीट यूजी में 700 मार्क्स पार, तो अपने डॉक्टर बनने का सपना पूरा करें बायोम के साथ। बायोम की नू और नगड़ा टोली रांची। झारखंड में शराब घोटाले मामले में अब ईडी की कार्रवाई हो रही है। ईडी फिलहाल आप देख सकते हैं तस्वीरों में, ये तस्वीरें हैं वित्त मंत्री रामेश्वर उरांव के रागिनी विला का, और ये तस्वीरें आपको दिखाएंगी कि यहाँ पे जो खामोशी है, अंदर ईडी की छापेमारी चल रही है और शराब घोटाले को लेकर ये छापेमारी पूरी तरह से की जा रही है। जिस तरह से अंदेशा है कि छत्तीसगढ़ के बाद अब झारखंड में भी शराब घोटाला हुआ है, उसके बाद से ईडी की रडार पर झारखंड के कई अधिकारी हैं और कई नेता भी हैं, और ऐसे में रामेश्वर उरांव के जो बेटे हैं रोहित उरांव, उन पर शक है कि मनी लॉन्ड्रिंग करने का, उन पर आशंका जाहिर की जा रही है ईडी की ओर से, और ईडी लगातार यहाँ पे छापेमारी किए कर रही है। पांच झारखंड के पांच जिलों के 32 ठिकानों पर फिलहाल छापेमारी सुबह 7 बजे से ही चल रही है, और आप देख सकते हैं तस्वीरों में, ये तस्वीरें हैं राजधानी रांची के जो रामेश्वर उरांव का घर है, वो उस घर पर ये छापेमारी लगातार जारी है, और इस छापेमारी को लेकर आप ये अंदेशा लगाया जा रहा है कि छत्तीसगढ़ के बाद झारखंड में भी जो शराब घोटाला हुआ है उसकी आँच कहीं ना कहीं रामेश्वर उरांव के जो बेटे हैं रोहित उरांव, उनका भी नाम यहाँ पर संलिप्त है, तो ऐसे में उनके आवास पर छापेमारी हो रही है। इसी घर में रोहित उरांव रहते हैं, और रोहित उरांव के इस मामले में संलिप्तता को के शक के आधार पर जो छापेमारी की जा रही है, और जो हाल में जोगेंद्र तिवारी के पास जो आयकर विभाग की छापेमारी हुई थी, उस आयकर विभाग के छापेमारी के बाद ये दस्तावेज हाथ लगे हैं, और आयकर विभाग ने जिस तरह से इनपुट दिए हैं ईडी को, उसके बाद से ये छापेमारी लगातार जारी है। आप देख सकते हैं तस्वीरों में, यहाँ पे जो कांग्रेस के नेता हैं आलोक दुबे, उनसे भी बात करेंगे कि ये जो छापेमारी है, छापेमारी को लेकर वो क्या कहते हैं। सर, ये छापेमारी को लेकर क्या कहेंगे, क्योंकि ईडी जो है शराब घोटाले के मामले में, छत्तीसगढ़ में जो शराब घोटाला हुआ था उससे कहीं लिंकेज जोड़कर झारखंड में भी शराब घोटाले की बात कही जा रही है, और इस बाबत ये पूरी छापेमारी हो रही है। देखिए, मीडिया के माध्यम से सुबह हम लोगों को भी ये जानकारी मिली कि माननीय वित्त मंत्री के बेटे रोहित उरांव के किसी संदर्भ को लेकर ईडी यहाँ पर इंक्वायरी करने के लिए आई। रामेश्वर उरांव जी का ये निजी आवास है, और रामेश्वर उरांव जी के 45 वर्षों के आईपीएस एकेडमिक कैरियर से लेकर के कैबिनेट मंत्री और एसटी कमीशन के दो दो बार चेयरमैन, वित्त मंत्री तक हमेशा बेदाग रहे, और उनके बेटे रोहित उरांव पर भी कभी कोई दाग नहीं लगा है। राजनीति को हमेशा मूल्यों पर आधारित ऊंचे पायदान पर रखा। हमेशा मैं नज़दीक होने के नाते मैं जानता हूं कि पूरा परिवार इन सब चीज़ों से लगातार बचता रहा है। कई बार इनको इसका नुकसान भी उठाना पड़ा। राज्य भर से लोग आते हैं, क्षेत्र के भी जनता आती है। इन्होंने हमेशा इस बात को तवज्जो दिया कि कोई ऐसा काम नहीं करना है जिससे पार्टी की छवि धूमिल होती हो, व्यक्तिगत छवि धूमिल होती हो, या राज्य की जनता के सामने शर्मसार होना पड़े। आलोक जी, आप तो नज़दीक हैं, तो ये कहीं योगेंद्र तिवारी से भी कोई संबंध है रोहित उरांव का, क्योंकि योगेंद्र तिवारी वो के मामले में आयकर विभाग से मिले दस्तावेजों के आधार पर ईडी छापेमारी कर रही है, ऐसा सूत्रों का कहना है। देखिए, मैं नहीं जानता हूँ, मैं भी 30 वर्षों से सार्वजनिक जीवन में हूँ, योगेंद्र तिवारी का नाम हमने सुना है, कौन है योगेंद्र तिवारी मैं नहीं जानता। आज सुर्खियों में है, और यहाँ पर साल, दो साल, पाँच साल के अंदर में कौन कितना बड़ा आदमी बन जाएगा, इसकी कोई जानकारी कोई नहीं जान सकता है। ये निश्चित रूप से ये कहा जा सकता है कि ईडी की जो छापेमारी हो रही है, कहीं ना कहीं छत्तीसगढ़ में फिलहाल चुनाव हैं, और छत्तीसगढ़ के शराब घोटाले से पूरी तरह से जोड़कर ही पूरे प्रकरण को देखा जा रहा है। ऐसे में ईडी क्या कुछ यहाँ पर खंगालती है और क्या कुछ सामने आता है, अमूमन ईडी की कार्रवाई के बाद कुछ भी नतीजा सामने नहीं आता है, और जो आता है उसको गुप्त थी ईडी रखती है। शायद ईडी की कार्रवाई पर भी अब सवाल खड़े होने लगे हैं, और सुप्रीम कोर्ट ने जिस तरह से ईडी की कार्रवाई पर भी सवाल खड़े किए हैं, उससे निश्चित रूप से ये जान पड़ता है कि ईडी की कार्रवाई को लेकर अब सवाल उठने लगे हैं, और ईडी की भूमिका पर भी अब संदेह खड़ा होने लगा है। सहयोगी शिल्पी के साथ अशोक कुमार, मुखर संवाद, रांची। मिनी लंदन, मैकलुस्कीगंज, प्रकृति की गोद में बसा
डीम्ड डेस्टिनेशन आपका कर रहा है इंतजार। आइए अपने यादगार लम्हों को बिताइए ड्रीम्ड डेस्टिनेशन में। राजधानी रांची से महज 50 किलोमीटर दूर आपका अपना ड्रीम डेस्टिनेशन। जब टूटती है आस, जब थकती है सांस, जब रूठते हैं अपने, मुंह मोड़ता है जमाना, जब अंगड़ाई लेता है संकल्प, फिर बनती है कहानी, बनते हैं अनमिट निशान। देखिए मेरे साथ संघर्ष की दास्तान।